नमस्कार सभी को, मैं मत्तु केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित कक्षा पांचवी विषय गणित में समूह के संदर्भ में भिन्न तथा भिन्नों के गुणज इस क्रिया को मैं समझाने वाला हूं कि भिन्न के सवाल को कैसे हल करते हैं। तो यहां एक कहानी दी गई है, चतुर कवि। कहानी का नाम है चतुर कवि। एक राजा रहता है और वह राजा साहित्य प्रेमी रहता है और उस तक पहुंचने के लिए उनके दरबारी या चौकीदार किस तरह से पुरस्कार की फरमाइश करते हैं और आने जाने वालों को किस तरह से उनसे पैसे ले करके अपनी जेबों को भरते हैं, इस कहानी के माध्यम से। कहानी का शीर्षक है चतुर कवि। तो कवि जो रहता है चतुर रहता है और राजा जो है ये साहित्य प्रेमी रहता है। तो आइए लीजिए इस वीडियो के माध्यम से देखिए चतुर कवि की कहानी। और यह कहानी समूह के संदर्भ में भिन्न तथा भिन्नों के गुणों के रूप में है और इसके अंत में कुछ सवाल रहेंगे जो हमें स्वयं करना है, आपको हल करना है। तो लीजिए इस कहानी का वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो देखिए चतुर कवि की कहानी किस तरह से। एक साहित्य प्रेमी राजा था। उत्तम कविता सुनकर वह बहुत खुश होता और पुरस्कार देता था। यह बात एक कवि को ज्ञात थी। एक बार उस कवि ने एक सुंदर कविता की रचना की। उसे राजा को दिखाने पर क्या पुरस्कार मिलेगा, यह जानने के उद्देश्य से वह राजमहल पर गया। परंतु राजा तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में अलग अलग चौकीदार उसे रोकते थे। पहले चौकीदार ने पूछा, किस लिए जा रहे हो? कवि ने जाने का कारण बताया। राजा से पुरस्कार मिलने पर संभावना देकर चौकीदार ने कहा, यदि तुम मुझे पुरस्कार का एक यदि तुम मुझे पुरस्कार का 1/10 भाग देना स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। कवि को स्वीकार करना पड़ा। आगे दूसरे चौकीदार ने रोका। उसने कहा, यदि तुम मुझे इनाम का 2/5 भाग दोगे तो ही मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। तीसरा चौकीदार भी लोभी था। उसने कहा, यदि पुरस्कार का 1/4 भाग मुझे देने का वचन दो तो ही अंदर जाने के लिए छोड़ूंगा। अब राजा का महल सामने ही था। कवि ने चौकीदार से कहा, पाव के बदले 1/2 भाग तुम्हें देता हूँ। चौकीदार ने खुश होकर हाँ कहा। इस तरह से तीनों चौकीदार ने अपने अपने हिस्से में मांगा। पहले चौकीदार ने 1/10 मांगा, दूसरे चौकीदार ने 2/5 भाग मांगा और तीसरे चौकीदार ने 1/4 भाग मांगा। परंतु कवि ने कहा कि मैं आपको 1/4 पाव भाग ना दे करके 1/2 हिस्सा मैं आपको देता हूँ। चौकीदार ने खुश होकर हाँ कह दिया। राजा को कविता पसंद आई। इस तरह से कवि राजा तक पहुंचा और राजा को कविता पसंद आ गई। उसने पूछा, पुरस्कार में क्या चाहिए? कवि ने कहा, कृपा कीजिए और पुरस्कार के रूप में मुझे 100 कोड़े लगाइए। कवि ने राजा से 100 कोड़ों की गुहार की कि राजा साहब, पुरस्कार में मुझे आप 100 कोड़े लगाइए। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम पागल है क्या? कोड़े मांगने वाला कोई व्यक्ति नहीं देखा था। कवि ने कहा, इसका कारण जानना चाहते हैं तो अपने तीनों चौकीदार को बुलाइए। कवि ने कहा कि आप इसका कारण जानना चाहते हैं तो आप पहले अपने तीनों चौकीदारों को बुलाइए।
और मुझे पुरस्कार के रूप में 100 कोड़े ही चाहिए। चौकीदारों के आने पर कवि ने राजा से कहा, आपने मुझे पुरस्कार के रूप में 100 कोड़े लगाने के लिए कहा है ना, इनमें ये 3 लोग साझेदार हैं, प्रत्येक ने पहले ही अपने अपने पुरस्कार का हिस्सा निश्चित कर लिया है। पहले चौकीदार को पुरस्कार का 1/10 अर्थात यहाँ कोड़ों की संख्या रहेगी, और यह कोड़ों की संख्या इस वीडियो को देखने के बाद आपको बताना है कमेंट में करके। कवि ने कहा कि पहले चौकीदार को पुरस्कार के रूप में 1/10 अर्थात रिक्त स्थान यहाँ इतने कोड़े चाहिए, दूसरे को 2/5 अर्थात यहाँ रिक्त स्थान रहेगा कोड़े उतनी संख्या दूसरे चौकीदार को चाहिए, और तीसरे को आधा पुरस्कार अर्थात जो कुछ बचा है दोनों चौकीदारों से वो आधा का आधा पुरस्कार ये तीसरे चौकीदार को उतने कोड़े चाहिए। इस प्रकार हिस्से निश्चित किए गए हैं। तो इस चौकीदार के लोभ तथा कवि की चतुराई राजा के ध्यान में आई। राजा ने जितना उचित था उतने कोड़े चौकीदारों को लगाए, अच्छी कविता के लिए कवि को पुरस्कार दिया। इसके अतिरिक्त कवि द्वारा चौकीदार का लालचीपन दिखाए जाने के कारण उसे 100 मोहरे और पुरस्कार के रूप में दी। विचार करके बताओ कवि की कौन सी चतुराई राजा के ध्यान में आई। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको भिन्न के रूप में दी गई संख्या को बताना है। यहाँ समूह के संदर्भ में विभिन्न तथा भिन्नों के गुणज को ज्ञात करके आपको कोणों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को देखिए, और चतुर कवि की कविता के माध्यम से इस कहानी के माध्यम से आप क्या करिए, भिन्नों के गुणज के द्वारा सवाल को लगा करके बताइए कि पहले चौकीदार को 1/10 अर्थात कितने कोड़े लगाए गए। पहला चौकीदार जो है इसे 1/10 अर्थात कितने कोड़े लगाए गए राजा द्वारा, और दूसरे चौकीदार को 2/5 अर्थात कितने कोड़े लगाए गए, और अंत में तीसरे चौकीदार को आधा हिस्सा दिया गया। तो इस वीडियो को आप देखिए और उसको कमेंट में बताइए कि 1/10 अर्थात कितना होता है 100 का, और 2/5 अर्थात 100 का कितना भाग होता है, और 100 का आधा अर्थात कितना भाग होता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में लिख करके बताइए कि गुणज भिन्नों की गुणज संख्या किस प्रकार से आती है, और 1/10, 2/5 और आधा 100 का कितना होता है। तो धन्यवाद सभी को आप मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे